नमस्कार, आपका स्वागत है कर्म आयुर्वेद के यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आपके साथ निखिल शर्मा। एक बार फिर से लाया हूं किडनी से जुड़ी जरूरी जानकारियां। आप कर्म आयुर्वेद के यूट्यूब चैनल पर किडनी से संबंधित हर प्रकार की जानकारी आसानी से ले सकते हैं। मैं हर शनिवार को शाम 6 बजे आपके द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब के साथ हाजिर होता हूँ। अगर आप किडनी या किडनी से जुड़ी किसी भी समस्या का जवाब चाहते हैं तो आप अपना सवाल हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तुरंत अपने सवाल का जवाब पाने के लिए आप हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। आप अपने संदेश, सुझाव या किडनी से जुड़ी खास जानकारी हमें वीडियो बनाकर व्हाट्सएप के माध्यम से शेयर कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9871712050। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आप हमारी नई वीडियो की अपडेट पा सकें। तो आइए शुरू करते हैं आज के पहले सवाल से, जो हमसे पूछा है सलार खान जी ने कि उनका क्रिएटिनिन 3.50 है और क्या वो अंडे का सफ़ेद भाग खा सकते हैं। सलार खान जी, आप अपनी डाइट में अंडे के सफ़ेद भाग का सेवन कर सकते हैं, लेकिन सीमित मात्रा में ही इसका सेवन करें। आप अपने डॉक्टर या फिर डाइटिशियन से अपनी कंडीशन के अनुसार जानिए कि आप कितनी मात्रा में इसका सेवन कर सकते हैं। हमारा अगला सवाल काजल अग्रवाल जी ने पूछा है कि किडनी में सूजन होने पर क्या वो अपनी डाइट में बदलाव करें। फिलहाल उन्होंने अपनी डाइट में दाल, नमक, पोटेशियम का सेवन कम करने के साथ साथ बेसन का सेवन बंद किया हुआ है। काजल अग्रवाल जी, आप सही डाइट ले रही हैं, आपको डाइट बदलने की ज़रूरत नहीं है। अगर इस डाइट के बाद भी आप अपनी समस्या में कोई सुधार नहीं देख रही हैं तो आप कर्म आयुर्वेदा में संपर्क कर सकती हैं। हमारा अगला सवाल हमसे अक्षय कुमार जी ने पूछा है, क्या CKD पेशेंट्स काजू खा सकते हैं। अक्षय कुमार जी, नहीं, CKD पेशेंट्स को ड्राई फ्रूट के सेवन के लिए मना किया जाता है। ड्राई फ्रूट्स में प्रोटीन और फास्फोरस की मात्रा ज़्यादा होती है, जिससे मरीज की कंडीशन बिगड़ सकती है। बिना डॉक्टर की सलाह के इनका सेवन मत कीजिए। हमारा अगला सवाल हमसे साइमा उरूज जी ने पूछा है कि किडनी स्टोन की वजह से क्या किडनी फेल हो सकती है। साइमा उरूज जी, किडनी स्टोन का सही समय पर इलाज ना करवाने की वजह से ब्लड वेसल्स ब्लॉक होने लग जाती हैं, जिस वजह से किडनी फेल होने का खतरा भी बढ़ जाता है। आप किडनी स्टोन की समस्या को बढ़ने से रोकने के लिए खट्टे फल और पानी का सेवन अच्छी मात्रा में कीजिए। ज़्यादा जानकारी के लिए आप कर्म आयुर्वेदा में संपर्क कर सकते हैं। हमारा अगला सवाल रवि मोरसाना जी ने पूछा है कि ब्लड प्रेशर की समस्या होने के साथ साथ हफ्ते में 2 बार डायलिसिस होता है, जिस वजह से उनको थकान सी रहती है, कोई उपाय जिससे उन्हें आराम मिल सके। रवि मोरसाना जी, डायलिसिस के समय बॉडी से प्रोटीन वॉश आउट होता है, जिस वजह से मरीज को थकान महसूस होने लगती है। इस बारे में आप अपने डॉक्टर से सलाह लें और डाइट के बारे में समझें। हमारा अगला सवाल नव्या सुल्तान जी ने पूछा है कि आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट कितने समय में क्रिएटिनिन को ठीक कर सकता है और क्या ये समस्या दोबारा होने का खतरा रहता है। नव्या सुल्तान जी, आयुर्वेदिक उपचार आपकी समस्या को जड़ से ख़त्म करता है और ये आपकी समस्या की कंडीशन पर डिपेंड करता है कि क्रिएटिनिन कब तक ठीक होगा। साथ ही आप ट्रीटमेंट के दौरान किस तरह की डाइट ले रहे हैं और ट्रीटमेंट के बाद की डाइट का भी अहम रोल रहता है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप कर्म आयुर्वेदा में संपर्क कर सकती हैं। दोस्तों, आज का आखिरी सवाल बहुत खास है, क्योंकि बहुत से लोगों ने यह सवाल हमसे किया है, क्या किडनी पेशेंट शादी कर सकते हैं। किडनी की बीमारी का इलाज मुमकिन है और सेहत में सुधार आने पर आप इसका फैसला ले सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप अपने डॉक्टर से राय लीजिए। तो दोस्तों, ये थे कुछ सवाल जो हमसे हमारे दर्शकों ने पूछे। और अगर आपके मन में भी किडनी या किडनी से जुड़ी किसी भी समस्या के बारे में सवाल है तो आप भी कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, जिनका जवाब मैं अगले शनिवार की वीडियो में आपको बताऊंगा। अगर आप या आपके परिवार में कोई भी किडनी की समस्या से परेशान है या फिर डायलिसिस और किडनी ट्रांसप्लांट जैसे दर्दनाक उपचार का सामना कर रहा है तो आप एक बार कर्म आयुर्वेदा में जरूर संपर्क कीजिए। यहाँ सिर्फ आयुर्वेदिक दवाइयों की मदद से किडनी की हर समस्या का इलाज किया जाता है, वो भी बिना किसी डायलिसिस और किडनी ट्रांसप्लांट के। आशा करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी और आपको आपके सवालों के जवाब भी मिल गए होंगे। तो अब मुझे दीजिए इजाज़त, अगली बार मुलाकात होगी आपके सवालों के जवाबों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।